ज़्यादा ही मुश्किल है, वो लोग रो रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं आप कुछ करो, कुछ रास्ता ढूंढो, हम भी आए, आप तो शांत हो, आप तो ठीक हो वहाँ पे इंडिया में, सही है, सेफ हो, लेकिन हम तो सेफ नहीं है, हम तो ठीक नहीं है। तालिबान बोल रहे हैं हम पिछली बार की तरह नहीं करेंगे, सही है, लेकिन भरोसा है, क्या भरोसा है, भरोसा नहीं है ना। काबुल में थोड़ा हालात गंभीर है, वहाँ पे लोग डर के मारे अपने घर से नहीं निकल सकते, अपने शॉप को नहीं खोल सकते, लोग अपने जॉब पे नहीं जा सकते। जैसे कि अभी अभी एक खबर आया कि जलालाबाद शहर में एक लड़की को गोली से उड़ा दिया है और लोगों को नहीं छोड़ रहा, और बात भी मालूम नहीं है कि किस वजह से। Yeah. I think the current situation is much more like that calm situation before a tsunami. Many people think it's that kind of situation. पंजाब सरकार वालों अपने नागरिकां नूं आवाजाई दीआं बेहतर सहूलतां मुहैया करवाउण लई वख-वख उपराले कीते जा रहे हन। देहाती खेतर दियां लिंक सड़कां दी मुरम्मत करन लई विशेष तौर उत्ते जोर दित्ता। सूबा सरकार ने 3,278 करोड़ रुपए दी लागत नाल 28,815 किलोमीटर लिंक सड़कां दी मुरम्मत करवाई, जदों के 834 करोड़ रुपए नाल 6,162 किलोमीटर लिंक सड़कां मुरम्मत अधीन हन। आवाजाई दी सहूलत नूं मुख रखदियां 200 करोड़ रुपए दी लागत नाल पिंडां दियां लिंक सड़कां ते पुलां अते पुलियां नूं अपग्रेड कीता गया। पिंडां दे विकास लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। Well, but Taliban has also shown some green lights to human rights, women rights, and media openness, but still it's a little bit hard to trust Taliban in such a short time. कुछ ज़्यादा हालत ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही परेशान है हम तो। मुझे तो बहुत दुख होता है उनका हालत देख के, मैं तो 2-3 दिन से सर में ही दर्द हो रहा है, मैं तो देखती भी नहीं हूँ न्यूज़ चैनल ये सब। कभी तो घर में कह रहा है दुकानें खुला नहीं, जो सामान की ज़रूरत है वो नहीं ला सकते, बस बंद है। जो बाहर है तो वो मारपीट है, जो घर में है वो तो डरे हुए। इस वेले जिस तरीके दे हालात बने हुए ने अफगानिस्तान विच तालिबान दे कब्जे तो बाद, पहला भी कब्जा किया गया लेकिन मुड़ जिस तरीके दे नाल हालात बने हुए ने, इस वेले असी दिल्ली दी एक अफगानी कॉलोनी विच पहुंचे हुए हाँ। खासियत है कि इस पूरी कॉलोनी दे विच इत्थे दे बाजार दी गल की जावे, भावें गल की जावे वख वख चीज़ां दी, सिर्फ अफगानी लोग ही इत्थे रहिंदे ने ते खुद नूं बड़ा सेफ भी महसूस करदे ने। इतने बहुत सारे शख्स साढ़े नाल मौजूद है। सब तो पहला हम बात करेंगे मैम आपसे, जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर इस समय तालिबान ने कब्जा किया है, कब्जा पहले भी किया है फिर कब्जा हुआ है, किस तरीके से आप देख, आप तो एक लेडी हैं, लेडीज के लिए बड़ा टफ है ये तो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलों का सामना पड़ता है। जो हमारा वहाँ जानकार है, जो रिश्तेदार है, उनसे बातचीत होती है, लेकिन बहुत बुरा हालत है अभी तो, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कभी तो घर में कह रहे हैं दुकानें खुला नहीं, जो सामान की ज़रूरत है वो नहीं ला सकते, बस बंद है। जो बाहर है तो वो मारपीट है, जो घर में है वो तो डरे हुए बाहर निकलते नहीं है। में आकर बस चुके हो, ये पूरी अफगानी कॉलोनी है, इस पूरी मार्केट है, यहाँ पे खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते, क्या लगता है आप, क्या सोच कर यहाँ पे बसे थे, कब आप यहाँ पर आए थे? हमें तो कभी 7 साल हो गया, 2015 से यहाँ। अच्छा, हम तो अभी ठीक है, हम तो अभी सही है, लेकिन वहाँ के हालात ज़्यादा ख़राब है ना, उनके खातिर हम ज़्यादा टेंशन में। आपकी जब कोई रابطہ हुआ उन जो वहाँ इस समय फंसे हुए हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कैसे हालात हैं, जब आप अफगानिस्तान में, जब आप थी वहाँ पे अफगानिस्तान में, तब कैसे हालात होते थे? क्योंकि कब्जा तो इनका पहले भी रहा है तालिबानी। मैं तो बहुत छोटे थे, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, उस टाइम याद नहीं आ रहा था, उस टाइम भी हम पाकिस्तान गए थे, इस टाइम हम यहाँ, हम तो पहले से आए, अभी वहाँ ऐसे हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा हालत ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही परेशान है हम तो। मुझे तो बहुत दुख होता है उनका हालत देख के, मैं तो 2-3 दिन से सर में ही दर्द हो रहा है, मैं तो देखती भी नहीं हूँ न्यूज़ चैनल ये सब, क्योंकि बहुत मेंटली इंसान बहुत परेशान होता है। जो वहाँ इन चीज़ों को सह रहे हैं, आपने बोला कि मैं यहाँ रहकर परेशान हूँ अपने रिश्तेदारों के लिए, जो वहाँ पे सह रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। वो लोग रो रहे हैं, सब मेरे को बोल रहे हैं आप कुछ करो, कुछ रास्ता ढूंढो, हम भी आए, आप तो शांत हो, आप तो ठीक हो वहाँ पे इंडिया में, सही है, सेफ हो, लेकिन हम तो सेफ नहीं है, हम तो ठीक नहीं है। तालिबान बोल रहे हैं हम पिछली बार की तरह नहीं करेंगे, सही है, लेकिन भरोसा है, क्या भरोसा है, भरोसा नहीं है ना। वो झूठ बोल रहे हैं शायद, वो सबको ऐसे दिखा रहे हैं, बाद में कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। झूठ कल दसी जा रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैम ने बोला हालात बहुत ख़राब हैं, बेशक तालिबान कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका पहले जो चीज़ें कट्टरपंथियाँ रही हैं, जो
अगर 1996 की बात की जाए, 1997 की बात की जाए, उसके बाद जब जब उन्होंने कोशिश की, आप वहीं से हैं, यहाँ आकर बसे हैं, क्या लगता है? देखिए, जैसे पहले तालिबान का था, अभी कुछ बदलाव उसमें आ गया है। जैसे आजकल तुलो न्यूज़ पे महिला एक तालिबान की स्पोक्समैन वहाँ इंटरव्यू दे रहा है, महिला उसका इंटरव्यू ले रहा है, और बाहर जो लेडीज़ डॉक्टर है वहाँ पे गए, लेडीज़ डॉक्टर को कहा कि अपना काम कर लो, काम हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और अपना काम सुरक्षित तरीके से कर लो। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन लोगों का अभी तक प्रेसिडेंट अभी तक सही मालूम नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, ये तो बात की बात है। अभी तो दिखावे के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, लोग थोड़ा डरे हुए हैं, अपने घरों से नहीं निकलते, हमारे रिश्तेदार भाई माँ बाप बहन सब वहाँ पे है। बात हो पा रही है तो क्या कह रहे हैं, किस तरह में सहमे और डरे हुए लोग हैं, मतलब सबको ये लग रहा है कि हम तस्वीरें जो आ रही हैं वो बड़ी विचलित करने वाली हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कितना खौफ है ऐसा में लोगों। वो तो हर कंट्री, अगर उसकी गवर्नमेंट गिर जाता है तो वहाँ पे इस तरह कुछ अदला बदली होता है। लोग बेशक बाकी प्रोविंस में सब लोग आराम से रहते हैं, लेकिन काबुल में थोड़ा हालात गंभीर है। वहाँ पे लोग डर के मारे अपने घर से नहीं निकल सकते, अपने शॉप को नहीं खोल सकते, लोग अपने जॉब पे नहीं जा सकते। जैसे कि अभी अभी एक खबर आया कि जलालाबाद शहर में एक लड़की को गोली से उड़ा दिया है और लोगों को नहीं छोड़ रहा, और बात भी मालूम नहीं है कि किस वजह से। और जैसे काबुल शहर में अभी लोग अपने कामों से थोड़ा थोड़ा समझ गए कि ये लोग अभी कुछ करने वाला है, सब डरते हैं कि क्या करेगा। अब ये बात के बाद है। अफगानिस्तान से हैं, वहाँ रहे हैं, अगर वहाँ के हालातों की बात की जाए तो कैसे हालात थे, क्योंकि अब आप दिल्ली आ चुके हैं। वहाँ तो हालात बिल्कुल ख़राब है, कारोबार सब बंद है, और लोग तो अपने घरों से नहीं निकल सकते। अगर मैं 4 साल हो गया है, मैं जिस टाइम आया था 2017 के लास्ट में सितंबर में आया था, और अभी वहाँ पे 4-5 साल हो गए, अभी यहाँ रहता हूँ। यहाँ कितना आपको डिफरेंस लगता है, यहाँ पे सेफ्टी है? हाँ बिल्कुल सेफ्टी है, बिल्कुल सेफ्टी है। रात की 12 बजे 2 बजे अपने घर से निकल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इंडियन गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। गवर्नमेंट ने कोई प्रॉब्लम जरूर नहीं दसी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने गल्ला जरूर दसी है, एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहवांगी कैमरामैन नु कहवांगे कि ये पूरी अफगानी कॉलोनी है इत्थे दी, अगर गल कीती जावे तो पूरे तरीके दे नाल यही लोग चलांदे ने, यही लोग बोलदे ने, और जो हालात इस वेले बने हुए ने बड़े ही चिंताजनक हालात ने, और कोशिश ये है कि हालातों में हालांकि जिहड़े भी इन्हां दे परिवारां दे लोग उत्थे फसे हुए ने, जिहड़े लोग उत्थे रह रहे ने, उन्हां दा ये जरूर कहना है कि जल्द तो जल्द एक गुहार जरूर लगाई जा रही है ताकि लोग इत्थों बाहर निकल सकन, लोग बाहर इत्थे उन्हां ते गुहार लगाई जा रही है कि मदद की मंग की जा रही है कि उन्हां नूं इंडिया दे विच वापस लिया जाए, और इन्हां दे विच कुछ अजिहे लोग सी जो 4 साल तो कुछ इत्थे है, कोई 5 साल तो इत्थे है। आप अगे चलते हाँ और जरूर कोशिश करते हैं कि शायद इस कॉलोनी विच सानू कुछ होर भी अजिहे लोग मिल जान जो इस दे नाल संबंध रहे। तुसीं तस्वीरां देख रहे हो किस तरीके दे नाल, ये बेसिकली दिल्ली दे विच लाजपत नगर दे नाल वसदी इक अफगानी कॉलोनी है जिथे सिर्फ अफगानी लोग रहिंदे ने। इत्थे दे बाजारां दी अगर गल कीती जावे हर चीज़ यही लोग चलाते हैं, कुछ महिलाएं आ रही हैं, कोशिश करेंगे। मैम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हालातों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आप भी वहीं से आई हैं, लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हैं बचन दी, शायद हालात इस तरीके दे बने हुए कोई बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये वो लोग ने जो कुछ किसी नू 11 साल हुए हैं तो किसी नू 5 साल हुए लेकिन इत्थे बस गए ने, खुद नू सुरक्षित जरूर महसूस करते। आप एक बार थोड़ा सा अगे चलते हाँ उत्थे भी देखते कि शायद कोई जरूर बोलन दी कोशिश, लेकिन हालांकि लोगों वालों को ज़्यादा बयानबाजी नहीं की जा रही है क्योंकि डर का माहौल जरूर इन्हां विच भी है। इन्हां दे परिवारिक लोग उत्थे फसे हुए ने, और जिस तरीके दे नाल इन्हां नू ये लगता है कि शायद उन्हां दे परिवार वाले जरूर गुहार लगा रहे हैं कि ये लोग
ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਲਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਕਾਲਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਲਨੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਦਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਕਾਲਨੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਵਹਾਂ ਕੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਕੋ ਆਪ ਕੈਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ? तकरीबन मुझे एक महीने की ज़्यादा हो गया कि मैं यहाँ पे हूँ। वहाँ के हालात फ़िलहाल तो अच्छा है। मैंने अपनी फैमिली से बात किया है, वो बोलता है अच्छा है, तालिबान अच्छा एटीट्यूड कर रहे हैं लोगों के साथ, अभी तो अच्छा है, फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसलिए आप यहाँ आए थे, स्टडी बेस के लिए आए थे, कैसे आए थे, कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स वहाँ अभी आपके फंसे हुए हैं? हमने कई लोगों से ऐसे बात करी है तो उन लोगों का ये कहना है कि अगर ठीक है फंसे हुए, लेकिन डर बहुत है लोगों के मनों में। डर इसलिए है कि तालिबान पिछले 20 साल पहले और आगे जो हमारे गवर्नमेंट 20 साल के उस हुकूमत था उसका, तालिबान बहुत तालिबान बिहेव वेरी बैडली विद पीपल, सो दैट्स व्हाई पीपल हैव सम कंसर्न अबाउट तालिबान। इन लास्ट two decades, Taliban has killed many innocent people. They have killed the women, child, old, everyone, young, everyone. So now that the situation has come to Taliban, they are in the power. So people have serious concern based on their past. So now there is no any serious things about Taliban because they are now allowing the women to go for their works, for their education, for everything. I have talked with my family and they told me that now the situation is under control by Taliban. So some almost 3 days that Taliban has captured the whole city of Afghanistan. So let's see what happens in the future. If Taliban continue in this manner in the future, the Taliban will be accepted by the local people and also by international. Currently the international recognize Taliban as a terrorist group, because they has so many terror attack on different people. In the future, if Taliban show a good attitude, let people to behave and work, so there is Taliban allow people to freedom, to have freedom of speech, human rights, women rights, civil rights, and Taliban have to accept the election. Election is very, one of the best things in our people. So we do not accept power by dictatorship. So the election is one of the good things that the people decide their future based on choosing a good leader. So one more thing about Taliban is that if the Taliban show a good behavior, the world will accepting it. The US, the European countries, other neighborhood countries, they will not accept a government which has a violence over the people. So they accept a government, a responsible government who has no violence on people. So people should accept such a government. And currently Taliban is under a test by the international and local people. If they continue in a good way, they will be accepted by the international and the people. And one more thing about Taliban is very important to say, that Taliban, now they have captured the Kabul, they have show something bit good attitudes, behavior, because the other countries' interests should not be threatened by Taliban in Afghanistan. We had good relationship with India, with Pakistan, with Iran, with neighborhood countries, with international countries. Taliban should not treat any country citizen, so that's a good thing. Even India, that maybe there is some serious concern in India about their people in Afghanistan. Now that Taliban has captured, they should not show a bad attitudes over with any foreign peoples.
So, you know, these are the main things that we are having about Taliban. This is our expectation about Taliban. So they fought for almost 20 years to capture the power. Now the power is with them. They are under test. Let's see what they will do with the power which currently they have. Thank you very much. आपसे भी जानना चाहेंगे about current situations in Afghanistan. Yeah, I think the current situation is much more like that calm situation before a tsunami. Many people think it's that kind of situation. Well, but Taliban has also shown some green lights to human rights, women rights, and media openness. But still, it's a little bit hard to trust Taliban in such a short time. I also have heard some news that they have present some civic activists in Herat. I also heard about women's protesting and demanding for women rights. I think it's early to talk how to speak how the situation will improve in future. But what is apparent is that the Taliban does not, it seems that they don't have a plan for the long run of the future of the country. The country faces a lot of problems, the Kuwait situation, the poverty, and I don't think they should have any plans for that, even for governance, making the a government, they don't have, I don't think they should have a plan. Really early to talk how the situation will be in the future. Cameraman Sharad Denal, Amanpreet Kaur, Rozana Spokesman, Delhi.